TV31 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। आपको याद होगा कि 26 दिसंबर को फर्स्ट डे सिक्स स्नैचिंग हुआ था, सेकेंड डे फाइव, और ये फाइव स्नैचिंग केवल 45 मिनट्स में हुआ। तीन गैंग मेंबर्स को अरेस्ट करने के साथ एक KTM मोटरसाइकिल, एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल और एक नाइफ जिसका लगभग 10 इंचेस का ब्लेड है, उसका भी रिकवरी हुआ। यह सेंसेशनल केस जब 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को हुआ तो उसके बाद एक मैसिव कैंपेन फॉर क्राइम डिटेक्शन के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस, इसके सभी विंग, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, ट्रैफिक और टास्क फोर्स, सब लोग मिलकर लगभग 20,000 से ज्यादा टू व्हीलर चेकिंग किए थे। उसी दौरान 1,600 इरेगुलर नंबर प्लेट के अगेंस्ट केस भी बुक हुआ। लगभग 120 टीम्स बनाकर हैदराबाद और उसके नेबरिंग सिटी दूसरे स्टेट में भी भेजा गया। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नोएडा, दिल्ली और बुलंदशहर भी हमारी टीम गई। इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है, लीडर, गैंग लीडर प्रणीत चिंतामला चौधरी एलियस मानिया, नेटिव ऑफ वनस्थलीपुरम राजकोंडा का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये दिल्ली में भी रहता है और वहां नोएडा में 2 साल जेल में भी रहा। 6 महीने पहले इसका जेल से रिलीज हुआ और उस जेल में वो यूपी और दूसरे जगह के बड़े बड़े क्रिमिनल से इसकी दोस्ती हुई और ये लोग आगे का प्लान किए। यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जेल में भी रह चुका है। टोटल ये लगभग 2 साल जेल में रहा है। ये पूरे गैंग जो 11 ऑफेंसेस किए थे राजकोंडा में, उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से है। LB नगर में सबसे पहला ऑफेंस हुआ था, मीरपेट में सबसे पहला, उसके बाद LB नगर में शाम को 4:30 बजे और फिर 5 बजे, वनस्थलीपुरम में तीसरा ऑफेंस हुआ 5 बजे, उसके 10 मिनट के बाद वनस्थलीपुरम में चौथा ऑफेंस हुआ, फिर हयात नगर में 18:45 आवर्स, एलबी नगर में 22:55 आवर्स, वनस्थलीपुरम में उसके बाद ऑफेंस हुआ और उसके बाद फिर हयात नगर में दोबारा ऑफेंस हुआ। हयात नगर में लास्ट ऑफेंस हुआ। इस पूरे 11 ऑफेंस में एक ऑफेंस ये लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, बाकी सब में स्नैचिंग सक्सेसफुल हुआ। दूसरे ये चिंतामला प्रणीत चौधरी साहेब नगर वनस्थलीपुरम का रहने वाला है। दूसरा ऑफेंडर मोनू वाल्मीकि, ये ऑक्यूपेशन फार्मिंग ऑफ पिग्स, सुअर का बिजनेस करता है, और गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 49 नोएडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तीसरा गैंग मेंबर चोका, ये गजरौला बुलंदशहर का रहने वाला है उत्तर प्रदेश। इसमें एक खास बात यह है कि जो गैंग लीडर है चिंतामला प्रणीत चौधरी, यह इंग्लैंड भी गया था पढ़ने के लिए और वहां इमिग्रेशन के एक केस में इसका रिपैट्रिएशन हुआ इंडिया और आने के बाद ये क्राइम वर्ल्ड में एंटर किया। मोनू वाल्मीकि, इसके ऊपर लगभग 40 केसेस ऑफ रॉबरी एंड चेन स्नैचिंग है इन नोएडा और आसपास के एरिया में। इसके ऊपर एक हिस्ट्री शीट भी है जो कि सेक्टर 49 नोएडा पुलिस स्टेशन में है।
दूसरा ऑफेंडर जो चौका है उसके ऊपर भी 38 केसेस ऑफ रॉबरी और चेन स्नैचिंग का है। चिंतमला प्रणीत चौधरी इसके पहले सरूर नगर और उपल में 2014-15 में भी ऑफेंसेस किया। ये लोग प्लान करके राजकोंडा में जो ऑफेंसेस किए उसमें चिंतमला प्रणीत चौधरी मास्टरमाइंड प्लान करके सब कुछ किया, लेकिन खुद बाइक पर बैठकर नहीं जाता था क्योंकि इसका इसको डर था कि इसको कुछ लोग यहां पहचान लेंगे। इस तरीके से आज सुबह तालाबकट्टा एरिया में ये लोग अबैंडेंड किए मोटरसाइकिल, और उसका पब्लिक में भी काफ़ी नॉलेज गया था मीडिया के तरफ से बाइक के बारे में, सीसी फुटेज के तरफ से। ये पूरा केस के डिटेक्शन में टास्क फोर्स ईस्ट जोन के साथ डीसीपी साउथ जोन, एसीपी संतोष नगर, सीसीआरबी राजकोंडा के ऑफिसर, सीसीआरबी हैदराबाद के ऑफिसर, भवानी नगर के पुलिस ऑफिसर्स, ये लोग सब मिल करके एसओटी राजकोंडा और सब मिलकर ये लोग केस डिटेक्ट किए हैं। आज मोनू और चौका अनमोल होटल इदी बाजार के पास से इनकी अरेस्ट हुई भवानी नगर लिमिट में, जहां वो लोग एक पल्सर बाइक से घूम रहे थे। उनके पास से एक नाइफ एक डैगर भी बरामद हुआ है। बाद में इंट्रोगेशन में पता चला और उसके बाद एक केटीएम बाइक का भी रिकवरी हुआ तालाबकट्टा एरिया से रेलवे लाइन के बाजू में। ये पूरे केस के डिटेक्शन में लगभग 600 सीसीटीवी वीडियो फुटेज का एनालिसिस हुआ, वीडियो एनहांसमेंट इमेजरी टेक्निक का भी यूज़ हुआ, और डिटेक्शन के समय फिजिकल सर्वेलेंस बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह, तीनों कमिश्नरेट राजकोंडा, साइबराबाद और हैदराबाद में किया गया। इस दौरान लगभग 2000 से ज़्यादा होटल और लॉजेस का चेकिंग हुआ, ऑल ट्रैवल एजेंसीज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और साइबराबाद, राजकोंडा और हैदराबाद पुलिस मिलकर इंश्योर किए कि आगे कोई ऑफेंस नहीं हो। ऐसे मौके में मीडिया के तरफ से पब्लिक को हम एक अपील करते हैं कि हैदराबाद शहर में 2.5 लाख कैमरा है, हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा मिलकर हम लोग का टारगेट है 10 लाख कैमरा रखना, और पब्लिक के कोऑपरेशन से, पब्लिक के पार्टनरशिप से हम लोग मिलकर गारंटी करेंगे कि यहाँ चेन स्नैचिंग का मिशन का मेनेस बिल्कुल बंद हो। और पब्लिक, मीडिया के तरफ से आप लोग को मैं अपील करते हैं कि हर जगह, छोटी कॉलोनी, बड़ी कॉलोनी, मेन रोड हो या छोटी रोड हो, लेन्स, बाई लेन्स, सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगाएं, और उसमें पुलिस के हेल्प से क्या कॉन्फ़िगरेशन रहे, लोकल एसआई, लोकल सेक्टर एसआई, एसएचओ हेल्प करके करेंगे, जिससे कि क्राइम लेवल हैदराबाद में बिल्कुल कम रहे। ये तीनों ऑफेंडर को हम लोग पीडी एक्ट में भी डालेंगे। आज के मौके पे मीडिया के तरफ से पब्लिक को एक और अपील, संक्रांति के फेस्टिवल में जो लोग घर बंद करके छुट्टी में बाहर जा रहे हैं, उनसे गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है कि लोकल ऑफिसर को, एसएचओ को, सेक्टर ऑफिसर्स को, पेट्रोल कार ऑफिसर्स को जानकारी दें कि किस डेट से किस डेट तक आप बाहर जा रहे हैं, जिसमें कि पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से स्पेशल अरेंजमेंट रहे कि आपके यहाँ कोई इंसिडेंट नहीं हो। थैंक यू सो मच।